हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ छोटी मगर मोटी बातों के बारे में, और वो है रोड सेफ्टी के बारे में। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, और उसकी कुछ वजहें हैं, खास करके छोटी छोटी चीज़ें जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और उनका अगर आप थोड़ा सा पालन करें तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप ऐसे हादसों का शिकार नहीं होंगे। और दूसरी बात, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी, आजकल एक ट्रेंड चल गया कि अगर गाड़ी आपकी 5 स्टार रेटेड है या 4 स्टार रेटेड है तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो अमर हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो केवल वर्स्ट केस में आपकी हेल्प करते हैं, ना कि आपको बचाने की गारंटी लेते हैं ऐसे एक्सीडेंट्स में। कुछ चीज़ें जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको शायद ये चीज़ें पहले से पता हैं, लेकिन बस मैं आपकी मेमोरी एक बार रिफ्रेश करना चाहता हूँ, आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए, और ये काफ़ी हद तक आपको ऐसे फैटल एक्सीडेंट्स में आपको आपकी जान बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप, सिंपल सी बात है कि आपको ये चीज़ पता है कि गाड़ी आप अगर रोड पे लेके निकलते हैं तो उसमें मोस्टली तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो आपकी गाड़ी है, एक ड्राइवर यानी कि आप खुद, अगर आप खुद चला रहे हैं तो, या फिर आपका कोई अगर फैमिली मेम्बर है आपका ड्राइवर, जो भी, एक ड्राइवर, और तीसरा रोड, राइट। ये तीन चीज़ें मेन हैं। और रोड की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपकी रोड की कंडीशंस, रोड साइंस, रोड कैसे है, और उसके साथ साथ जो ऑन गोइंग और अपकमिंग ट्रैफिक है वो भी आ जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, और इन तीन चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे, और मेरे हिसाब से आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, जो मतलब थोड़े बड़े हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आई एम श्योर कि आप लोग फॉलो भी करते होंगे, लेकिन आप लोग अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो आप ज़रूर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर की। तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, खैर अगर बात की जाए इंडिया की, तो यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हैं कि 60-40 का रेशियो आप कह सकते हैं, 60% एक्सीडेंट्स ड्राइवर की गलती से होते हैं ज़्यादातर। मतलब कि या तो मतलब कुछ गलती की उसने, या फिर कुछ भी हुआ स्पीड की वजह से, और 40% एक्सीडेंट में ड्राइवर की या गाड़ी चलाने वाली कोई गलती नहीं होती है, वो सामने वाले गलती होती है, और कुछ केसेस में रोड की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको भी मैं ड्राइवर के ही उसमें डालूंगा, क्योंकि इंडिया में आपको पहले से पता है, और आपको इसके लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि अचानक से रोड पर कुछ भी आ सकता है, गड्ढा आ सकता है, गाय आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर बात की जाए ड्राइवर को अपनी तरफ से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो पहली चीज़ तो मैंने जो नोटिस किया है कि ड्राइवर, जब ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो उसमें बंदा आगे ध्यान नहीं दे पाता रोड पे, या तो उसका ध्यान कहीं और होता है, जैसे कि बगल वाले से बात करने में, या फिर अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पे कुछ चेंज कर रहा होता है, या फिर स्टेयरिंग को जो है एडजस्ट कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, मोबाइल देख रहा होता है, कुछ भी। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपका ध्यान बिल्कुल भटकाती है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आगे से क्या आ जाएगा, और उस केस में अचानक से आप बिल्कुल गाड़ी रोक नहीं सकते। कितना भी गाड़ी में आजकल ब्रेकिंग सिस्टम्स बढ़िया हैं, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी अगर आपकी 100-120 में, तो आप उसको तुरंत वहीं पे खड़ी नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए होता है, तो उस केस में आपका जो एक्सीडेंट है वो निश्चित तौर पे उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा अटेंटिव रहिए। और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को गाड़ी चलाने का शौक इतना ज़्यादा होता है कि उनको अगर नींद भी आ रही तो वो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि मुझे नींद आ रही है, गाड़ी चलाते जाएंगे, और कभी ना कभी जो है उनका थोड़ा सा ध्यान भटक जाएगा। और जैसे अगर आपने एक बार 3 सेकंड की भी, अगर या 1 सेकंड की, आप सेकंड छोड़िए, आपने अगर माइक्रो सेकंड की भी नैप ली, और आप किसी हाईवे पे हैं, एक्सप्रेस वे पे हैं, तो आपके लिए बहुत ही डेडली हो सकता है वो। तो आपको अगर नींद आ रही है तो आप बिल्कुल गाड़ी रोकिए, थोड़ा सो लीजिए, नहीं तो चाय पीजिए, और अगर आपके साथ कोई को ड्राइवर, को पैसेंजर, उसको गाड़ी चलानी आती है, तो उसको आप गाड़ी दे सकते हैं, बिल्कुल आप आराम से आराम कर सकते हैं। जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप रहेंगे तो खूब सारा ड्राइविंग का मौका मिलेगा, खूब सारा ड्राइविंग कर सकते हैं, अगर आप नहीं रहेंगे तो वहीं पर सब खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। पहली चीज़ तो रोड पर आपको हमेशा अलर्ट रहना है, और दूसरी चीज़, आपको अगर नींद आ रही है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, आप थकावट महसूस कर रहे हो, तो आप बिल्कुल आराम करिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद आप गाड़ी जो है ड्राइव करिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताना चाहूँगा मैं, वो ये है कि गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर की ये जिम्मेदारी है कि आप गाड़ी में चीज़ें मतलब देख लीजिए कि खास करके वाटर बॉटल्स या फिर कोई बॉटल आपके कहीं ऐसी तो नहीं पड़ी जो मतलब कि आपके फ्लोर पे पड़ी है, क्योंकि काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट हुए जहाँ पे जो बॉटल है वो आपके ब्रेक पैडल के नीचे आके फंस जाती है, और आप ब्रेक नहीं मार पाते ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, और वो भी बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर ट्रैफिक रूल की बात की जाए, जो ड्राइवर के ऊपर जो उसकी जिम्मेदारी है, जैसे कि गाड़ी अगर आप एक्सप्रेस वे पर चला रहे हैं या फिर हाईवे पर चला रहे हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ें रोड
को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, रोड सेफ्टी को लेकर, मतलब रोड के कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ड्राइवर को भी लेके। तो रोड पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमेशा लेन सिस्टम फॉलो करना चाहिए, और अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको हमेशा कार लेन में ही गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, कभी भी आपको ओवरटेक लेन में गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रहा हूँ 40 की स्पीड में एक्सप्रेस वे पे, जहाँ की परमिसेबल लिमिट 100 है, तो वहाँ पे 40 की अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आप बाकी ट्रैफिक के लिए एक ऑब्स्टिकल की तरह हैं। तो आपको हमेशा जो है स्लो लेन में, यानी कि सबसे जो लेफ्ट मोस्ट लेन है उसमें आपको मूव करना है। दूसरी बात, आपको हमेशा जो है जो सामने वाली गाड़ी है, अगर आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है तो उससे 70 meters, आप जगह जगह देखते भी होंगे इसके बोर्ड भी, कम से कम 70 meters की डिस्टेंस आपको लेनी चाहिए, कि अगर आगे वाला ब्रेक मारता है तो आपके पास टाइम रहे अपनी गाड़ी को ब्रेक मार के रोकने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए, तो ये चीज़ हमेशा आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर कभी भी लेन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कार लेन में हैं, सामने वाला बंदा 80 में है, आप 100 में हैं, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो हमेशा ORVM का उपयोग ज़रूर करिए और IRVM का, इसके बारे में अभी आपको डिटेल बताऊंगा मैं, तो ORVM और IRVM का उपयोग ज़रूर करिए। और आप हमेशा लेन चेंज करते हुए इंडिकेटर दीजिए, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आप राइट साइड का, इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे के पीछे वाले को बताइए कि हाँ भैया मैं अपना जो है इंडिकेटर दे रहा हूँ, मतलब मैं इधर लेन चेंज कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ORVM और IRVM की बात मैं बताऊँ आपको कि मतलब मेरे हिसाब से अगर बहुत लोग होते हैं कि ORVM को अनफोल्ड ही नहीं करते, मतलब क्या लॉजिक है ORVM को अनफोल्ड ना करने का, उसको आप ओपन करके चलाइए, उसमें आपको बहुत कुछ हेल्पफुल होता है आपके लिए वो। और इसको हमेशा आप मतलब एक मान लीजिए कि आप 30-60 seconds में अगर आपकी गाड़ी मतलब आपको लग रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप लेफ्ट साइड राइट साइड और IRVM में ज़रूर एक बार देखिए कि आपके आगे पीछे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। साथ साथ रोड पे आप जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि कोई शार्प टर्न है तो उस पे आपको सिग्नल्स मेंटेन रहते हैं, उसको आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, काफ़ी बार हेल्पफुल होता है वो आपको, और आप शार्प टर्न्स पे उसको पहले से एडवांस में ब्रेकिंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने और देखी, जो आजकल के जो नवयुवक हैं, खास करके जो मिलेनियल्स हैं, वो मतलब ड्राइवर हैं या जो नए ड्राइवर्स हैं, उनका मैंने एक ट्रेंड देखा है कि ब्रेकिंग मतलब कि प्रोएक्टिव ब्रेकिंग नहीं करते वो, जैसे कि उसको कहते हैं रिएक्टिव ब्रेकिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिख रहा है कि ब्रेकर वहाँ पे है तो जाके उससे 1 meter पहले ही ब्रेक मारेंगे एकदम, और उससे क्या होता है कि जो आपके साथ जो बैठे हैं वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी आपसे चूक भी हो सकती है, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करिए। जहाँ पे आपको आगे चौराहा दिख रहा है, आगे कट दिख रहा है, या फिर आगे कुछ भी दिख रहा है, एक कोई ऑब्स्टिकल दिख रहा है या फिर ब्रेकर दिख रहा है, तो आप प्रोएक्टिव ब्रेकिंग करिए। आप 50-100 meter से ही धीरे धीरे हल्का हल्का ब्रेक लगाना शुरू करिए, काफ़ी सही रहता है, इससे आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, थकेंगे नहीं, और दूसरी बात गाड़ी आपके फुल ऑन कंट्रोल में रहेगी, आप पैनिक नहीं करेंगे लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि पैनिक ब्रेकिंग बहुत ही डेडली है, बहुत खतरनाक हो जाता है। पैनिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि आप अचानक से ब्रेक मारते हैं, फिर आपके टायर से आवाज आती है और आप घबरा जाते हैं और आप बिल्कुल गाड़ी जो है कंट्रोल लूज कर देते हैं, तो ये भी आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। और आजकल ये जानवरों का बड़ा चक्कर है, और मतलब एक्सप्रेस वे पे भी आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, तो इन चीजों से अगर आपको थोड़ा सा आगे पीछे बगल गाय भैंस दिख रही है तो आप स्पीड थोड़ी सी कम कर लीजिए, उनको मतलब उनका कुछ पता नहीं भाई कब वो उधर आ जाएंगे, तो आप पहले से तैयार रहिए। अगर आपके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपको दूर से जानवर दिख रहे हैं तो आप ये मान चलिए कि कभी भी वो क्रॉस करना शुरू कर सकते हैं, तो ये चीज़ में आपको पहले सजग रहना है। ये चीज़ें हैं। और रोड पे और बात की जाए तो बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, जैसे कि आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है आपको, और कुछ बाकी ट्रैफिक रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं, ऑब्वियसली आपको पता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है कार की, तो कार में आपको क्या क्या ध्यान देना है। कार में ऑब्वियसली आपको गाड़ी चलाने से पहले, शुरू करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी कि आपके जो है टायर्स में प्रेशर, टायर प्रेशर सही हो, कि ज़्यादा भी होगा तब भी आपको प्रॉब्लम होने वाली, खास करके एक्सप्रेस वे पर टायर बस्ट की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और कम भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपको उससे भी प्रॉब्लम सकती है, उससे भी टायर जो है ज़्यादा उसका जो ट्रैक्शन होगा ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे जो हीटिंग है वो भी ज़्यादा होगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दोनों नहीं रखना आपको, ऑप्टिमम प्रेशर टायर प्रेशर रखना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़, आपको हमेशा अपने ब्रेक्स, वैसे आजकल गाड़ियाँ इतनी रोबस्ट हैं कि ब्रेक्स में कोई इशू नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको उसका ध्यान देना चाहिए। गाड़ी अगर आपको टाइम टू टाइम सर्विस करना चाहिए, ब्रेक पैड्स वगैरह आपको अपने देखते रहना चाहिए कैसे उनकी कंडीशन, जब आप सर्विस कराने जाते हैं तो अगर रिकमेंडेड है तो उसको आपको चेंज करा लेना चाहिए विद ड्यू डिलीजेंस, ऐसा नहीं कि उनके बोलने से आप करा दें, उसके पैसे भी लगते हैं। और कार में दूसरी चीज़ आपको ORVM IRVM तो आपको ध्यान देना ही है, प्लस आपको अपने हेडलाइट्स साथ साथ
टेल लैंप्स का भी आपको ध्यान देना। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ हेडलाइट आगे सही होनी चाहिए, टेल लैंप्स का क्या ही मतलब है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो उसको भी आप हमेशा जो है ध्यान में देखे रखिए, आपके इंडिकेटर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आपके टेल लैंप्स, आपके हेड लैंप्स सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। ORVM एडजस्ट करने का तरीका जो है बहुत लोग को सोचते हैं कैसे करेंगे, तो आप हमेशा जो मैं करता हूँ मतलब जैसे कि गाड़ी पर हमेशा कोशिश करिए कि जो पीछे का गाड़ी का एज है, जैसे पीछे का डोर हैंडल है वो आपको दिखना चाहिए, तो उससे क्या रहता है कि आप मतलब गाड़ी पर आपको पीछे रोड नहीं देखनी, सीन नहीं देखना आपको पीछे, बल्कि आपको रिलेटिवली जज भी करना है कि गाड़ी अगर पीछे से आ रही है तो वो कैसा मतलब वो निकल जाएगी, नहीं निकल पाएगी, कितना क्या है, तो वो उसको आप हमेशा ऐसा एडजस्ट करिए दोनों साइड का कि थोड़ा सा पीछे आपको गाड़ी का एज दिखे अपनी गाड़ी का, और प्लस आपको रोड दिखे। जैसे मेरे पास इसमें डिजायर है तो इसके तो ORVMs काफ़ी बड़े हैं, और मैं ऐसे मैंने एडजस्ट किया हुआ यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे पीछे काफ़ी कुछ दिख रहा है, साथ साथ रोड का भी प्रॉपर व्यू आ रहा है। और IRVM भी आप ऐसा एडजस्ट करिए कि आपको प्रॉपर व्यू मिले पूरे रोड का और पूरे सराउंडिंग्स का, क्योंकि IRVM तो काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी जो मतलब लंबाई होती काफ़ी अच्छी होती है, थिकनेस कम होती है, लेकिन आपको पूरा रोड उसमें विजिबल रहता है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो लोगों के ध्यान ना देने से होते हैं, खासकर ड्राइवर गलती से होते हैं, क्योंकि वो लोग या तो अटेंटिव नहीं होते रोड पर, अलर्ट नहीं होते, या फिर उनको नींद आ जाती है, या फिर वो पैनिक मतलब ब्रेकिंग करते हैं लास्ट में, मतलब प्रोएक्टिव ब्रेकिंग नहीं करते, वो रिएक्टिव ब्रेकिंग में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जैसे ट्रक जा रहा है और वो सोचेंगे कि मतलब अभी जाके उसके पास ही हम रोकेंगे, और कभी कभी वो चीज़ आप रोक नहीं पाते हैं, गाड़ी का आपको पता नहीं ब्रेक कैसे होंगे उस समय, कैसे आप क्या कर पाएंगे, तो हमेशा प्रोएक्टिव ब्रेकिंग में विश्वास करिए और गाड़ी को दूर से ही जज करिए। हमेशा रोड पे आपका ध्यान होना चाहिए 100%, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो इस पे आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। खासकर रात वात में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, हमेशा लो बीम पे आप गाड़ी ड्राइव करिए, काफ़ी अच्छा थ्रो आता है, अगर आप गाड़ी का थ्रो सही नहीं है लो बीम पे तो उसको आप एक बार चेक कराइए, काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से 80-100 की स्पीड में चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है लो बीम पे भी। ओवरटेकिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडिया में, ओवरटेकिंग खासकर जहाँ पे 2 लेन हाईवे है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं पे होते हैं, और लोग वहाँ पे मतलब डेडली एक्सीडेंट जो होते हैं वहाँ पे होते हैं और ओवरटेकिंग में होते हैं, तो ओवरटेकिंग में आपको हमेशा जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और हमेशा आपके पीछे प्लस आगे दोनों ध्यान रख के आपको ओवरटेक करना चाहिए प्रॉपर गियर में। आप जैसे कि अगर आप 5th गियर में हैं तो आप ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप गियर डाउन करिए आपकी गाड़ी के पावर के हिसाब से, और फिर ओवरटेक करिए कि आप जल्दी जल्दी निकल जाए वहाँ से। एक चीज़ मैंने और नोटिस की जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे पीछे जो विंडशील्ड है पीछे वाले उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, सामान रख के या कुछ ऐसा रख के, और बिल्कुल व्यू नहीं आता पीछे का, ये बिल्कुल खतरे से खाली नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। हमेशा जो है अपना पीछे का ट्रैफिक आपको देखना होता है, जितना आपको आगे देखना है उतना ही आपको पीछे का भी ट्रैफिक दिखना चाहिए, आपको पीछे से गाड़ी क्या आ रही है, कौन आपको क्या कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ORVM का मैं आपको उपयोग बता रहा था, तो ORVM आपको गाड़ी चलाते हुए तो देखना ही है, जब आप गाड़ी रोकते हैं, और काफ़ी अभी मैंने देखा था लखनऊ में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बंदे की जान चली गई थी, क्या हुआ था कि पीछे स्कूटर से आ रहा था, उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, और बंदे ने दरवाज़ा खोला अचानक से और उसमें आके वो लड़ गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो आपको ORVM का ये प्रयोग भी है कि आप गाड़ी खड़ी करते हैं तब भी आप ORVM को प्रॉपरली चेक करिए कोई पीछे से नहीं आ रहा है, और तब उसके बाद भी आप पीछे मुड़ के भी देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है क्योंकि आपकी, और उसके बाद आप जो है दरवाजे खोलिए। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको जो है इस हैंड से नहीं खोलना चाहिए, आप इस हैंड से खोलेंगे तो आपको पीछे ध्यान रहेगा, ये भी आप कर सकते हैं, इस हैंड को उपयोग कर सकते हैं खोलने के लिए, लेकिन मतलब पर्पस केवल एक है कि आपको पीछे देखना है, आपको IRVM में देखना है, आपको ORVM में देखना है कि पीछे कोई आ नहीं रहा है, तभी खोलिए। आप जो है बच्चों को लेकर मैं एक आध दो बातें और बताना चाहूँगा, बच्चों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप पीछे बिठाएं, खास करके इंडिया में तो मतलब बच्चों को लेकर लोग बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, और बच्चों को हमेशा पीछे बिठाना चाहिए, और प्लस आपको चाइल्ड लॉक लगाना चाहिए, और आप हर गाड़ी में जो है CRS यानी कि चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम तो आप लगाते नहीं, लेकिन अगर आपके पास है आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल लगाइए, रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी तो आप पीछे उनको बिठाइए और सीट बेल्ट पहना के बिठाइए बच्चों को, और बच्चा अगर है तो आप कोशिश करिए गार्जियन भी पीछे रहे और चाइल्ड लॉक के साथ बच्चे को बिठाएं पीछे। तो ये कुछ छोटी मगर मोटी बातें थी, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, अगर एक आध चीज़ मैंने मिस करी तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने मोटा मोटा सब कुछ बताया। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता हैं क्योंकि कॉमन सेंस की चीज़ें हैं अक्सर ये, और दूसरी चीज़ ये है कि लोग इसको फॉलो नहीं करते या फिर उनके ध्यान हट जाता है, लेकिन इसको आप अपनी आदत में लाइए। फॉर एग्जांपल ORVM में देखना, IRVM में देखना आपको अपनी आदत में लाना चाहिए, डोर कैसे खोलना है पीछे देखना ये आपको अपनी आदत में लाना चाहिए, इंडिकेटर देना आपको अपनी आदत में शामिल करना चाहिए, साथ साथ आपको लो बीम पे गाड़ी चलाना अपनी आदत में शामिल करना चाहिए, डिपर का उपयोग करना और जो है बाकी सब चीज़ें जो है आपको अपनी आदत में शामिल करना चाहिए अगर आप एक अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं तो। और प्रोएक्टिव ब्रेकिंग का मैं हमेशा बहुत जोर देता हूं, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक वो आपको बचा सकता है और आपको हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ इन सब नियमों का पालन करें आप, और
जो है सीट बेल्ट पहने, ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए। सीट बेल्ट पहनना है आपको, और आपको जो है गाड़ी अगर बाइक चलाते हैं आपको हेलमेट लगाना है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।